वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज कर रहे थे 8.3 के एग्जांपल की बात कर रहे थे। 80 वाला एग्जांपल हो गया था, 90 वाला एग्जांपल भी कर लिया था, 20 वाला एग्जांपल करेंगे। आपके पास आपका दिया हुआ है 12x² - 2x² = 14 और आपके पास समीकरण दिया हुआ है x² - 3y के समांतर अभिलंब के संयोग है। अच्छा देखिए, आपके पास एग्जांपल नंबर 20 20 वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है? x² 20 वाला जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है? 2x² - y² ठीक है, 2x² - y² = 14। और आपके पास इस कर्व पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो दी गई रेखा की क्या है? समांतर है। देख रहे हो क्वेश्चन को समझने के बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। वक्र दिया हुआ है 2x² - y² = 14। आपको इस पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसका समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं तो एक तो बिंदु चाहिए और एक क्या चाहिए? हरण का, मतलब नेगेटिव उल्टी वाली बनाना हो तो कर लेंगे, पर एडवांटेज चाहिए। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसकी परबलता निकालेंगे, इसकी परबलता निकालेंगे, ठीक है? क्या बोल रहा है? हाँ, लेकिन जो अभिलंब है वो क्या दी गई रेखा के समांतर है क्या? बिल्कुल है। क्या अभिलंब भी एक रेखा होती है क्या? बिल्कुल। देखिए ये आपका वक्र है, इस पे आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको बिंदु चाहिए और क्या चाहिए? परबलता चाहिए। अब देखिए अपने को क्या दे रखा है, जो दी गई रेखा दे रही, जो रेखा है उसके समांतर है अपना अभिलंब, यानी कि अभिलंब भी क्या होता है? जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो इसका कर्व है, मान लो ये कर्व है और इसकी स्पर्श रेखा ये है, मेरी बात को समझ रहे हो आप? ये स्पर्श रेखा है और ये इसका क्या होगा? अभिलंब होगा। आपको इसका समीकरण चाहिए इस वाले का, मेरी बात को समझ रहे हो? इसका समीकरण चाहिए, लेकिन इसके समीकरण के लिए आपको एक तो परबलता चाहिए और एक बिंदु चाहिए। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये जो अभिलंब है क्या एक रेखा है? बिल्कुल है। जो ये अभिलंब है एक दी गई रेखा है उसके क्या समांतर है, यानी कि ये अभिलंब इसके समांतर है, मतलब इस रेखा के समांतर है और ये दी रेखा देखा देंगे y प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब बताओ y इक्वल टू mx से क्या बोल सकते हैं? माइनस का xy 3 प्लस का 2 बोल सकते हैं क्या? यानी कि जो इसकी परबलता होगी क्या वो अभिलंब की परबलता होगी? क्योंकि होगी, जब दो रेखाएं समांतर होती है उनकी परबलता क्या होती है? बराबर होती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा उस पे ध्यान देते हैं। क्या बोलेंगे? सबसे पहले अपने को दी गई रेखा, अब देखो x के साथ x का क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। x के साथ x अवकलन करेंगे तो x के साथ x अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? ये 4x - 2y dy/dx होगा, क्यों होगा? बराबर 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x / y, ठीक है? सॉल्व कर दिया ये सेल अकाउंट की, ये तो बढ़ गया, अरे उधर गया रहेगा। dy/dx की वैल्यू वाली 2x / y आ रही, ठीक है? ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, किसी इतनी खतरनाक चीज कैसे लिख दी सर ने, क्या है? ठीक है, ये आपका डीवाई बाई डी एक्स है, यानी कि किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। क्या है ये? ये है यानी कि स्पर्श रेखा परमणता तो m होती है, m क्या हो जाएगी? क्या यही होगी? क्या 2x / y होगी कि नहीं होगी? एक बोलो तो सही हो। अब अभिलंब की परमणता क्या हो जाएगी? अभिलंब की परमणता वो m डैश होगी,
वो भी माइनस का वाई अपॉन मतलब मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। जब ये अभिलंब की प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता है, तो आप मेरे को ऐसे बताओगे, आपको पता है क्योंकि अभिलंब रेखा x प्लस by बराबर सिक्स के समांतर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे रेखा दे रही थी आपको, रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? रेखा की प्रवणता, प्रवणता की बात करते हैं पर कैसे मिलेंगे अपन? देखो रेखा की प्रवणता यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है? यहाँ पे x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स था, y इक्वल टू माइनस x बाई थ्री प्लस का टू, इसलिए रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? माइनस का एक बटा टू। रेखा की प्रवणता, रेखा की स्क्वायर, रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? आपको दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ठीक है, ये हो गई। अब आपको पता है अभिलंब, अभिलंब है रेखा क्या है? समांतर है। जब समांतर है तो प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि इसकी प्रवणता कितनी थी? माइनस का वाई बटे दो एक्स माइनस का एक बटा तीन। मेरी बात को समझ रहे हो? कुछ ऐसे ही लग रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से बताओ वाई बराबर कितना आ जाएगा? यानी कैसे पूछता हूँ, थ्री वाई बराबर कितना हो गया? टू एक्स। थ्री वाई बराबर कितना हो गया? टू एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 2x बटी 3। इतना समझ आ गया सबको? सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ये dy / dx आया, इस पत्ते का प्रवणता आ गई, इससे अभिलंब की प्रवणता आ गई, दी गई रेखा दे रही थी आपको, इसकी प्रवणता निकाल दी मैंने। ये रेखा और ये अभिलंब है, समांतर है, दोनों प्रवणताओं को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। y का मान क्या आ गया? 2x बटे 3 है, y का मान क्या आ गया? 2x बटे 3। आपको अभिलंब का समीकरण चाहिए, वैसे अभिलंब की प्रवणता तो आपको पता है, जो रेखा की प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता होगी अभिलंब की, यानी कि माइनस का 1 बटा 3 इसकी प्रवणता होगी, माइनस उसकी अभिलंब की प्रवणता। लेकिन आपको बिंदु भी चाहिए, अरे अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो बिंदु भी चाहिए, तो अपन क्या क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे? बिंदु निकालना चाह रहे हैं x1 y1। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, क्या ये y वाली वैल्यू क्या उस अभिलंब को संतुष्ट, उसको वक्र को संतुष्ट करेगी? नहीं करेगी। अपने पास वक्र क्या था? 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 14 था। 2x स्क्वायर ऐसा कैसा y इक्वल टू 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 18 14x स्क्वायर आपको कितना लाना है? 18 में 4 के 14 आएगा, 14 से 14 चला गया, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? x के लिए प्लस माइनस 3 आई है, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3 आ गई। अब यहां से आप क्या इसको समीकरण में लिख सकते हो? तो y आ जाएगा तो समीकरण में से y कितना आएगा? बस 2 y पर 2 2 बटे 3 प्लस माइनस 3 यानी y की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2 y की वैल्यू दोनों को साथ लिख दिया, तो बताओ बिंदु क्या क्या आएंगे? बिंदु आएंगे 1, 3, 2 और 1,
माइनस तीन कोमा माइनस दो। अब क्या करेंगे, अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अब अभिलंब का समीकरण निकालेंगे इसका मतलब हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता अधिकतम की प्रवणता। चलो तीन कोमा दो के लिए, तीन कोमा दो से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, बताओ क्या आएगा? y माइनस y1 m डैश x माइनस x1 y माइनस y1। आप मेरे को ऐसे बताओ y1 की वैल्यू दो, m डैश कितना होगा? जो रेखा की प्रवणता है वही किसकी प्रवणता होगी? अभिलंब की। क्यों? क्योंकि रेखा और अभिलंब क्या है? समान है। ये तो बात समझ ले आगे बढ़िया तरीके से। तो माइनस का एक बटा तीन एक्स माइनस तीन सोल्व करेंगे तो तीन वाई माइनस का छह माइनस एक्स प्लस का तीन एक्स प्लस तीन वाई और ये माइनस का नौ बराबर जीरो। एक आंसर तो ये आ गया। अब क्या बोलेंगे उसी प्रकार इसके लिए बिंदु माइनस तीन कोमा माइनस दो से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण कितना आएगा? वही वाई माइनस आएगा एक्स माइनस एक्स वन वाई वन की वैल्यू माइनस का दो एन की वैल्यू माइनस का बटा तीन एक्स ये प्लस का तीन हो जाएगा ये प्लस का दो तीन वाई प्लस का छह माइनस का तीन एक्स प्लस तीन वाई प्लस का नौ बराबर जीरो। आंसर आ गया है खत्म हो गया है क्वेश्चन। सही है डन समझ में आ गया। रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? बराबर होता है। वहां से अपन बिंदु निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 22 सब निकल लिया क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो कि एग्जांपल नंबर 22 कर लिया जा। मैंने आधा ही करवाया था कल। अरे हो गया क्या? करते तो बहुत ही जाबली बनी दीदारी बुकपूस थी y बटो x स्क्वायर माइनस का एग्जांपल नंबर 21 x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7 बोले कहां से पढ़ाएंगे देखते हैं। अरे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा के समांतर है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना मतलब एक तो प्रवणता चाहिए और एक बिंदु चाहिए। सर दी गई रेखा के समांतर है स्पर्श रेखा मतलब पक्का पक्का जो रेखा की प्रवणता होगी क्या वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी? खत्म करा लिया टाइम का मान लगा गया। बिंदु निकाल लेंगे डीवाई बाय डीएक्स कर देंगे उस प्रवणता के बराबर करके बिंदु आ जाएगा। अब वो कुछ इसका डीवाई बाय डीएक्स करेंगे क्या आएगा बच्चों को? ये तो आएगा और ये किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ गई? वही तो n है। कितनी होगी? 2x माइनस 2 2x माइनस 2। अब आपको पहले क्वेश्चन में बोल रखा है स्पर्श रेखा रेखा के लो रेखा को देखो रेखा क्या है? रेखा 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 2x माइनस y प्लस का 2 2x यहाँ से y निकल जाएगा 2x प्लस का 9 सही बोल रहे हो? यहाँ पे इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी? इसकी प्रवणता आ जाएगी 2। चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के क्या है? दी गई रेखा के
समांतर है, जब समांतर है दोनों प्रवणताएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चार x का मान दो आएगा, नहीं आएगा, आ गया x का मान दो आ गया, x के मान दो को अपन कहां रख देंगे, तो x का मान दो आएगा, एक आएगा, एक सेकंड, एक सेकंड फॉर एक्स, तो आया क्या घुटने गर्म कर रखा है, तो ये आएगा, उसने क्या कर रखा है 2x माइनस 1 बराबर 2, 2 से 2 काट दिया, 1 आ गया, फिर 1 को धने ले गया, वो उसकी मैथ कितना आ गया, बेहतरीन मैथ, बहुत कितना आ गया, तो देखिए x का मान कब आ गया, तो अपन कर्व में रखेंगे तो y आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, रेखा में देखेंगे तो कर्व में रखेंगे, रेखा में नहीं रखेंगे क्योंकि रेखा तो कुछ हो सकती है ना, मेरी बात को समझ रहे हो, रेखा तो कुछ हो सकती है, कर्व में रखेंगे तो कर्व का बिंदु आएगा ना, रेखा तो ऐसी हो सकती है इस कर्व में आपका, तो रेखा मान इसमें से कहिए रेखा तो एक हो सकती है, कहाँ रखेंगे अपन, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, रेखा में रखे था सर, मेरा तो सही है सर, मैं नंबर कैसे कट गए, हाँ तो यहाँ पे वक्र से अपना वाई कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 2 का स्क्वायर 2 प्लस 7 4 4 गया 5 से 7 आ गया, आया नहीं आया, बिंदु क्या आ गया 2.7, तो 2.7 आया, तो स्पष्ट कर समीकरण आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ क्या आएगा, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, अपरिणता दोनों की सेम है, बिंदु पता ही है, हम कहानी के का मान 2 आएगा, x माइनस x1 की वैल्यू 2 है, y माइनस 7 का मान 2 x माइनस 4 का मान, मैंने पहले बोल रखा है कि x वाले को क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, y को ले लो 4 को ले लो माइनस का नहीं आएगा, ये बोलो कितना आएगा 2x माइनस 5 प्लस का 3 वाला के लिए सो जाना सबके ऐसे लिखो, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ऐसे बोल रहा है, आपको रेखा दे रखी है, रेखा क्या दे रखी है 5y माइनस का 15 है ये तो बराबर 13, 5y माइनस का 15x बराबर 13 है क्या, y का मान क्या आएगा यहां से 15/5 13/5 यानी कि 3x प्लस 13/5, अब इस रेखा की प्रवणता बता सकते हो आप, इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी कि वो आगे 3, लेकिन ध्यान रखें आप ध्यान रखें जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इसके लंबवत है, यानी कि जो इसकी प्रवणता होगी वो इसके लिए उल्टा और नेगेटिव बनना पड़ेगा, मेरी बात को समझ रहे हो, यानी कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि स्पर्श रेखा वह दी गई रेखा लंबवत है नहीं है, जब लंबवत है तो या तो आप कैसे कर दो, इन दोनों परिमाणों का गुणा क्या कर दो, माइनस में कर दो m1 into m2 बराबर माइनस 1, ये कर सकते हो ना, एक काम तो ये कर सकते हो, दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, उसको उल्टा कर दो और नेगेटिव, यानी कि स्पर्श रेखा की जो परिमाणता होगी, स्पर्श रेखा की जो परिमाणता होगी कि d1/dx होगी वो क्या होगी, इसका उल्टा और नेगेटिव, ये समझ में आया कि आया बढ़िया तरीके से आ गया, क्यों, क्योंकि सर जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा की क्या है, लंबवत है, यानी जो इसकी परिमाणता होगी वो इस स्पर्श रेखा के लिए क्या बन जाएगी, उल्टी और नेगेटिव, अब dy/dx के लिए क्या है 2x माइनस 2 माइनस का एक बना, ठीक ये होगा भी होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंड 2x बराबर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 बटा 3 5 बटे जाएगा, 5 बटे, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 बटा 6,
एक्स का मान कितना रहेगा सर? सॉल्व करेंगे यहां पे एक्स का मान कितना रहेगा? पास में कैसे एक्स का मान कहां रखेंगे आप? वाई में। अरे एक्स आ गया, वाई आ जाएगा, बिंदु आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए समानता कौन सी लेके चलोगे स्पर्शरेखा के लिए? माइनस का मान भाई ये क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि सर ये किसकी समानता होती है? इस डिवाइड बाय डीएक्स किसकी समानता होती है? इस स्पर्शरेखा की समानता। एक बार इतना नोट करो ताकि मैं ही करवा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। स्क्रीनशॉट चले अरे बोलो ठीक। अब देखो एक्स का मान, जब एक्स का मान 5/3 है तो बराबर से आपका वाई निकल जाएगा। छत्तीस 12, 60, 36 को 7 से गुणा करो तो बना आएगा 7×6=42, 7×21=4, 252 में 25 आएगा कितना आएगा? 7 276 - 60 तो ये 7 217×36 आएगा। ये भाई आ गया, तो बिंदु क्या आ गया अपने पास? 5/6। अब किसका समीकरण निकालेंगे? स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। ये लो स्पर्शरेखा का समीकरण, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 है, y1 की वैल्यू बोलो क्या है? y माइनस 217/36, m का मान क्या होगा? तो डिवाइड बाय dx होता है, माइनस का मतलब कौन थी? x माइनस 5/6। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको, अभी बताओ नहीं, 36y 217 36 1/3 6x माइनस का 5/6 36 18 देखो कैसे लेंगे 36 18 36 गुणा 2 को से गुणा कर दो 36y माइनस 217 अरे 6 को 3 से 18 36 गुणा 2 बार 2 इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 10 तो 12x प्लस का 36y और ये माइनस का 227 = 0 ये आंसर होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और जिसने भी एग्जाम नंबर 22 का पुरानी का वो तो बुक दे देगा बहुत सिंपल तरीके से कर ही सकते हैं आप ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है और अब बात करते हैं ग्रेड 4.2 अब एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आज इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग ही था क्योंकि अभिलंका संमेलन और स्पर्शरेखा का संमेलन बहुत बार काम आया भी है और आप आगे भी पढ़ोगे। देखिए अगर किस तरीके से अगर अपन फॉलो करते हैं तो
तो आप 11th क्लास के कुछ क्वेश्चन आपके और भी अच्छी तरीके से हो जाते हैं, समझते चीज को कि अगर अपना विलंब है उसकी पढ़ना उल्टी हो गई है तो आपने ऐसे ही किया होगा। अगर आप उनको करोगे ना आप सॉल्व तो बहुत ईजी लगेगा क्योंकि आपने बहुत बढ़िया तरीके से बोला कि विलंब कैसे कवर करें, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आप हिंदी में बोलते हो वर्तमान और आसमान, पढ़ते वर्तमान और आसमान के नाम से पूरा मैंने एक मिनट बाद में क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है समझना पहले बढ़िया तरीके से समझना। देखिए स्टूडेंट्स एक और टू एक्सरसाइज की बात करते हैं और इसमें मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से, जैसे आप कोई मूवी देखते हो या मान लीजिए कोई भी वीडियो देखते हो तो जो उसकी क्वालिटी है इस पर डिपेंड करती है, उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, बात को समझ लो उसके पिक्सल सही होने चाहिए। तो जो एक एक्सरसाइज कराऊँ पहले इसके मैं बैकग्राउंड बताऊँ कि क्या बैकग्राउंड है, मतलब अगर ये चीज़ समझ गए आप आज तो नहीं होगी चीज़ पूरी तो मतलब आपके कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाला। अब देखिए एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इनको बोलते हैं। वर्धमान आसमान देखिए हिंदी में वर्ड थोड़ा अशुद्धि हो सकती है, अशुद्धि के नंबर में का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे मैं सिंपल कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूँ, इसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है y = 2x + 3, अभी नोट नहीं करना तो बाद में करना तो करना चाहो जब कर सकते y = 2x + 3 y और x में एक किसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा से अगर y बराबर x प्लस ये बात को समझ लो, अगर मैं इस y को fx मान लूं क्या ये कर लूं fx मान तो ये तुम इस y को हटा लो ये सिंपल हाँ ऐसे रंग में बात करूं कि बात को हटा दूंगा इसको, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं देखो अगर मैं मान लूं ये मेरा x एक्सिस है ये मेरा y, अगर इसका कर्व बना के y = mx + c का कैसे बनाएंगे, इसका इंटरसेप्ट कुछ भी है यहाँ पे है हमने सभी पढ़ा फिजिक्स में कैसे है पहला कैसे है रैगी नहीं है रैगी, यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी आपकी वो तो आपको पता है u पता ना y = mx + c जो ये वाला इंटरसेप्ट होता है वो y एक्सिस के इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस के अंतर्गत होता है, यानी कि आपका ये इक्वेशन है y बराबर 2x प्लस 3, मेरी बात को समझ लो ये आगे बढ़ जा रहा है और ये भी आगे बढ़ जा रहा है। अब मैंने क्या किया इधर चेंज कर दिया y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 3 कर दिया, आपकी बात कर रहे हैं देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव है y को तो mx प्लस c जब पॉजिटिव होगा तो 90 से छोटा होगा, मेरी बात सुनो अरे पॉजिटिव tan थीटा स्लोप क्या है इसका पॉजिटिव 2 है यानी कि रूट 3 से थोड़ा ज्यादा है, tan 60 भी रूट 3 होता है ना पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप क्या है नेगेटिव, तो आपकी लाइन ऐसे करें अब ये बनाना है कैसे आती है ये बनाओगे आपको बता सकते हो कि कैसे आती है कोई बता दूंगा आपको, एक बार x को 0 करो तो y आ जाएगा ये कौन है, एक बार y को 0 करो
और कुछ नहीं बना सकते हैं तो ये आपके पास आ गया। और जो इसका एंगल है वो ये है, क्या वो 90 से बड़ा है? नेगेटिव है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। अब ऐसे तो है कि स्लोप थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो तो 180 तक जा सकता है बस, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। अब यदि यहां पे आपके पास ये है फिर वो वापस वही वैल्यू आ जाती है, जैसे नेगेटिव आ गया बड़ा हो तो वैल्यू वापस रिपीट हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्लोप नेगेटिव आ रहा है यहां पे, स्लोप क्या पॉजिटिव आ रहा है, अब बताना क्या चाह रहा हूं वो देखिए। अगर मैंने अब इसको क्या लिख दूं, एफ एक्स लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, एफ एक्स, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा। अब देखो सर पढ़ा क्या है, होगा वर्तमान हो पास, लेकिन आप क्या करना है स्ट्रेट लाइन करना, देख रहे कैसे, अगर मैं x को बढ़ाऊं, क्या बोला था, जब मैं x को बढ़ा रहा हूं तो मेरा y क्या होगा, बढ़ रहा नहीं, बढ़ रहा, जब मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा, जब मैं x को बढ़ा रहा हूं तो मेरा y क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं मेरा y क्या हो रहा है, x को बढ़ाने पर मेरा फलन भी बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई वर्तमान, दैट्स व्हाई इंक्रीज, जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं मेरा f क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेक कर लो, x की वैल्यू बढ़ाते हो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे लो x बढ़ाओ f x डिक्रीज, x बढ़ाओ f x इंक्रीज, ये इंक्रीजिंग फंक्शन और ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे फलन भी होते हैं। ये तो मैंने सिंपल बताया, बिल्कुल सिंपल, सबसे बेसिक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग यानी कि वर्तमान में, वर्तमान में क्या इंक्रीज, कुछ भी इसको इंक्रीजिंग में देखो ना, इंक्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा डिग्री, क्या मेरी बात को समझ गए क्या, और पहली चीज तो ये आ गई, x बढ़ाने पर मेरा f x बढ़ रहा है, x बढ़ाने पर f x डिक्रीज हो रहा है, ये था आपका y इक्वल टू माइनस 2x। सर ये तो हमारे इसका तो अपन ने क्या बना दिया, हमने इसका क्या बना दिया, अगर बात करें इसका हम लोगों ने क्या बना दिया, कर्व बना दिया, कर्व बनाया कि सर हमने ग्राफ बनाया कि हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, ऐसे भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसका ग्राफ नहीं बना सकते आप, जैसे मैं ऐसे पूछता y equal to या fx equal to आपका होता x plus 1 की पावर 5 और x minus 2 की पावर 6, क्या ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो प्रॉब्लम क्रिएट कहां होगी, यहां होगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ये तो सिंपल आपने ग्राफ बने तो पता चल गया इंक्रीजिंग हो रहा है फिर क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो सर इसमें कैसे बनाएंगे, चलो एक बार इसका स्केच हो तो आगे चलते हैं, ये कॉपी में लिखना है, ये चीज कॉपी में नोट करनी है, स्क्रीनशॉट करो इसका, इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इसकी बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे वर्तमान फलन, इसको क्या बोलेंगे आसमान फलन, अब देखिए मेरे पास कोई कर्व है y equal to sin x या fx equal to sin x, बात तो नहीं है, इसी मेरे पास आ गया fx equal to sin x, another example, मेरे पास है सर इसका कर्व भी हम जानते हैं, क्या जानते हो, बिल्कुल बना सकते ग्राफ, बना सकते, ये
एन। आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एलपीजी को डीपीजी के ऐसे ग्राफ से नहीं, बिना ग्राफ के बताऊंगा, बिना ग्राफ से बता रहा हूं। आप चिंता ना करें किसी भी चीज की ना। यहां पे देखिए जीरो होता है, यहां पे पाई बाय 2 होगा, यहां पाई होगा 3 पाई बाय 2 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अगर मैं इसकी बात करूं, उन्हें तर्क से पता चल रहा है कि अगर मैं ये कोण लूं, ये कोण लो, ये कोण लो, ऐसे ही जल्दी होगा, होगा नहीं होगा, और इधर ही। मैं यहाँ से यहाँ पे जब मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? वर्तमान हो रहा है, मेरी बात समझ में है? x बढ़ रहा है, तो मेरा fx भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मेरा x है, मेरा fx। और सर जब यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, x को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो मेरा fx क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। फिर सर वापस मेरा क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। सर फिर मेरा वापस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या फंक्शन है? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा कलाई जो इंक्रीज भी होता हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, तो वो ना तो वर्तमान होता है ना ह्रासमान। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे पूछता कि x belongs to 0 से पाई बाय 2, इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं? वैसे हिंदी में तो बोलते हैं बीवर अंतराल, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को नाम सही याद होगा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये 0 भी काउंट नहीं होगा, पाई बाय 2 भी काउंट नहीं होगा। अगर 0 और पाई बाय 2 की बात करूं मैं, क्लोज भी ले सकते हैं यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बाउंड्री पॉइंट। अगर मैं अच्छा टाइम हो जाएगा जी, अगर मैं इसकी बात करता यहां से लेकर यहां तक टाइम की इंक्रीज होता, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, यहां से यहां तक डिक्रीज हो सकता है पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि sin x अगर किसी इंटरवल में इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कंप्लीट अगर sin x बोले और इंटरवल नहीं बोले, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या तो ना तो ह्रासमान होगा ना बढ़ना। ये कल करूंगा मैं एग्जांपल, बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको कल लिखवा देंगे, ठीक है?